ऐसा वो शिल्पी मशीन नहीं मामा से गंडोला राइड हमारी स्टार्ट हो चुकी है। काट लिया, काट बात है। थोड़ा सा हाइट से डर है बट फिर भी मजा आ रहा है काफी। तो ये है गंडोला राइड, इसके चार्जेस है 750 rupees पर पर्सन है ना? 810 का है, मैंने ऑनलाइन बुक कर लिया। 800 ना, 10 अच्छा टैक्स वगैरह लग के टैक्सी बात करो। टिकट इसका 810 rupees है। थैंक यू, ठीक है। कैबिन काफी कंफर्टेबल है, 6 लोगों की सिटिंग के साथ में है और यहाँ पे अभी 5 लोग हैं। जारा मैं और एक एक कपल और है। मोबाइल चलाते हो आप, सोचो ही। टोटल 5 लोग हैं कैबिन में, कोई बहुत कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, कुछ ऐसा टर्बुलेंस और ऐसा नहीं है, वाइब्रेशन वगैरह जिससे हमें फील हो। इतनी हाइट पे भी जो रहते हैं ये वही है, मूवीज वगैरह में दिखाते हैं, भेड़ बकरी चराते हैं जो ये वो लोग हैं। तो ये लोग स्नोफॉल के टाइम पे भी यही रहते हैं। ये अंडरग्राउंड भी होता है ना घर थोड़ा सा? सोमवार के टाइम में यही रहते हैं, घर चले जाते हैं। आप लोग इतने कम कपड़ों से आए, ठंडी लगेगी नहीं? आई थिंक फेस वन आ गया है ना। ये हम फेस वन पे यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और फेस टू जाएंगे इंशाल्लाह। फेस टू बहुत ज्यादा लॉन्ग है, मेरे मुझे डर लग रहा है लिटरली फेस टू के लिए। बहुत ऊंचा है वो भाई, 14,000 feet, 14,000 feet है फेस टू। और ये है ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। अच्छा, इसका कोई चिंता नहीं है, खुद लॉग भी हो जाता है, खुद ओपन भी हो जाता है। अच्छा नहीं, कोई आ जाइए। चलो ऑटोमेटिक ओपन हो गया। कि हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं और ये फेज टू का है, यहाँ से फेज टू स्टार्ट होगा और जो हम लोग जाएंगे फेज टू में वो है बिल्कुल वो टॉप ऊपर। इसकी जो हाइट है वो दैट इज अराउंड 14,000 feet और यहाँ पे स्की चेयर भी है, जिसको स्की करना होता है वो स्की केबल से उधर से साइड से जाता है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। हाँ, जो प्रोफेशनल स्की वाले लोग होते हैं ये आप देखेंगे, ये देखो ये स्की चेयर है, ये जाती है ऊपर वहां पे जहां हम लोग जाएंगे फेज टू। ये दिख रहे हैं आपको, ये है 14,000 feet, हम यहाँ पर जाएंगे 14,000 feet पर भी फेज टू यहाँ से, और ऊपर से जो व्यू होगा ना वो डेफिनेटली मैंने शायद ही कहीं से व्यू देखा होगा। पहाड़ों में मैगी खाने आया हूँ भाई के साथ में। भाई क्या नाम है आपका? नाम हामिद। हामिद भाई, मैं सबका नाम पूछ लेता हूँ। ये तो कोई भी मिस नहीं करता है मेरा मानना, शायद मैगी तो बटर मैगी है भाई जी भैया। सो फेज टू में कोई भी गाइड नहीं जाएगा, हमें खुद से यहाँ से बैठ के जाना होगा फेज टू के अंदर, ठीक है? और वहाँ ऊपर कोई एक्टिविटीज नहीं होती, रेस्टोरेंट है, आपको सब कुछ खुद से करना होगा। देखते हैं फेज टू भी कैसा रहेगा हमारे लिए। फेस
फेज टू हमारा शुरू हुआ है और इस कैबिन में हम लोग चार लोग हैं, एक हम और एक एक्स्ट्रा कपल और है। आप लोग कहाँ से? केरला। अच्छा, केरला से हैं ये लोग। फेज टू की जो केबल है वो केबल कार है, वो रेड कलर की है, पता नहीं क्यों। और इसकी जो हाइट है दैट इज 13,800, मतलब 14,000 फीट हाइट है इसकी। और ऊपर कोई एक्टिविटीज नहीं होती है और रेस्टोरेंट वगैरह भी है लेकिन वो कॉस्टली है, डबल रेट में, जस्ट बिकॉज क्योंकि ऊपर टेम्परेचर वो बोल रहे हैं एज अ माइनस में रहता है। और जो पेशेंट हो अस्थमा के और कार्डियकर्स जिनको आता हो, जो भी डिजीज से हो, स्पेशली वो लोग ये ट्रिप ये फेस टू ना लें बिकॉज ऊपर जाके ऑक्सीजन की कमी है सी लेवल की वजह से। दूसरी चीज, जो ओल्ड एज लोग हैं और बच्चे हैं वो लोग भी इस पे ना जाएं बिकॉज ऑफ सांस लेने की प्रॉब्लम की वजह से। बाकी जा रहे हैं, देखते हैं, स्नो ऊपर काफी अच्छी बर्फ है, सब नीचे बोला गया है, थोड़ा हमें गाइड किया गया है। अभी तक हमने आई थिंक इनका 5% भी कवर नहीं किया होगा हाइट का। क्यों, अभी और है? पीछे देखो ना, ये अभी तो जाना ही जाना है, अभी तो ये पहाड़ों की वजह से थोड़ी सी और हाइट छुप गई है, जाना ही जाना है, मतलब जाते ही रहेगा ये। अभी तक बस हम लोग नीचे से चली चल कर रहे हैं, अभी तक स्टॉप आया नहीं, आने में भी टाइम है। जो व्यू है और जो स्नो है, ये जो स्नो है ना, ये जो गिरी है, ये 2 दिन पहले जो स्नोफॉल हुआ था, जब जिस टाइम पे हम लोग श्रीनगर थे उस टाइम की स्नो है। अभी कोई स्नोफॉल नहीं हो रहा, धूप है, लेकिन धूप में भी टेम्परेचर जो है वो माइनस में। ये है ग्लेशियर, यहाँ तक तो मेरा मानना कोई गया ही नहीं होगा आई थिंक, या जाने वाले गए और ट्रैकिंग करने वाले, बट बहुत ही ब्यूटीफुल है। पूरा कश्मीर दिख रहा है यहाँ से एकदम। पहुंच गए हम लोग फेज टू पर गंडोला राइड की। अब यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करेंगे, फिर रिटर्न भी इसी से ही जाना है। व्यू देखो आप, ये है फेज टू। फेज टू मतलब रियली में जो यहाँ पे लोग कहते हैं पैराडाइज ऑन अर्थ लोगों के लिए। वाह, अभी हम ऊपर भी चढ़ेंगे देखने के लिए, इधर से आप नज़ारा देखो। वहाँ पे मैं और जूम कर रहा हूँ, भाई फेस टू का माहौल कुछ ऐसा है। ये है फेस टू का माहौल हाल फिलहाल में। मेरा हाथ कांप रहा है लेकिन फिर भी मैं बिना ग्लव्स के रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इसलिए लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो उन लोगों के साथ जो लोग कश्मीर आने के प्लान कर रहे हैं।